18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने एक बड़ा बयान दिया। सीएम नीतीश कुमार को लेकर के लालू प्रसाद ने यह बड़ी बात कही। दोबारा आरजेडी के साथ नहीं जाने के बयान को लेकर लालू ने कहा कि अगर नीतीश कुमार साथ नहीं आएंगे तो नहीं आए। ये बात लालू प्रसाद ने पटना एयरपोर्ट पर कही। मुंबई रवाना होने से पहले लालू प्रसाद ने मीडिया कर्मियों से बात की और नीतीश के बयान पर कहा कि सीएम नीतीश अगर नहीं आएंगे तो ना आए। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि तेजस्वी की यात्रा शुरू हो गई है, पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। तो लालू प्रसाद पटना से मुंबई गए और मुंबई जाने से पहले उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की और कहा कि नीतीश कुमार अगर नहीं आना चाहते हैं आरजेडी के साथ तो ना आए। साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर कहा है कि यात्रा शुरू हो गई है और पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। तो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुप्रीमो कह लिया जाए, लालू प्रसाद ने नीतीश के बयान पर बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कह दिया है कि अगर उनको नहीं आना है तो ना आए। साथ ही साथ तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर के उन्होंने कहा है कि ये यात्रा शुरू हो चुकी है और पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे तेजस्वी। तो पटना से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, मुंबई रवाना होने से पहले की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जब मीडिया कर्मियों से उन्होंने बात की, मीडिया कर्मियों ने कई सारे सवाल किए और उन सारे सवालों के जवाब लालू यादव ने दिए और जिसमें कि उन्होंने एक बड़ा बयान दिया नीतीश कुमार को लेकर के। और क्या कुछ उन्होंने कहा है बयान सुनवा देते हैं आपको। तेजस्वी जी यात्रा पे निकले हैं, क्या कहेंगे? यात्रा शुरू हुआ है, पूरा नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। लालू जी गलती कर दिए थे, कहते हैं बाबा आपके साथ आके गलती कर दिए थे नीतीश कुमार जी, कहे अब नहीं जाएंगे आपके साथ। लालू प्रसाद का बड़ा बयान, उन्होंने कह दिया है नीतीश कुमार अगर नहीं आना चाहते हैं तो ना आए। कई बार नीतीश कुमार ने कह दिया है कि उनसे गलती हो गई आरजेडी के साथ जाकर के, अब वो कभी नहीं जाएंगे, अब जहां हैं वहीं रहेंगे, एनडीए के साथ रहने वाले हैं। इसी बयान पर लालू यादव ने कहा है कि अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो ना आए। आपको बता दें कि मुंबई के लिए रवाना हुए लालू यादव, उससे पहले उन्होंने मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब में ये बात कही। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, लालू प्रसाद का ये बड़ा बयान। लगातार नीतीश कुमार ये कहते आ रहे हैं उनसे गलती हो गई है और इसी वजह से वो आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, आरजेडी ने उनके साथ धोखा दिया है और आरजेडी जिस तरीके से काम करता है उससे वो नाखुश हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, देखिए लालू प्रसाद का एक बयान और इस बयान के बाद सियासत भी गर्म है। लालू यादव ने कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार नहीं आना चाहते हैं तो ना आए, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस ढंग से उन्होंने बयान दिया कि दो बार वो इधर आ चुके हैं लेकिन अब तीसरी बार वो गलती नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद पुराने पुराने वीडियोज जो है वो भी आने लगे। आरजेडी के जो कई नेता हैं उस बात भी बोलने लगे कि नीतीश कुमार के साथ जो है वो नजदीकियां बढ़ रही है। पिछले दिनों जब तेजस्वी यादव सूचना आयुक्त के जो बैठक में गए थे उसके बाद से ये सारी बातें निकल करके सामने आई, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि उसके बाद नहीं आएंगे। लेकिन अब जब लालू प्रसाद यादव से ये बात पूछी गई है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नहीं आना है तो नहीं आए। मतलब साफ है कि विधानसभा के चुनाव की तैयारी, जिस ढंग से तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं इस बात की भी उन्होंने कहा कि पूरे बिहार भर की यात्रा तेजस्वी करेंगे, तो उनकी तैयारी फिलहाल इस बात पे है। नीतीश जो लालू प्रसाद यादव ने कहा है उनके बयान से साफ है कि विधानसभा वो गठबंधन के साथ ही अकेले लड़ना चाहते हैं। हालांकि राजनीति में आने वाले दिनों में कौन से कह सकते हैं कि कौन से तीर चलेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जो नीतीश कुमार ने जो कहा है उसको लालू प्रसाद यादव ने तवज्जो नहीं दिया है और खुद भी आगे बढ़ने को तैयार है। जी, और क्या कार्यक्रम है, क्यों मुंबई गए हुए हैं लालू यादव? रवि एस नारायण आपसे जानना चाहेंगे। देखिए लालू प्रसाद यादव लगातार किडनी के जो समस्या थी वो अभी फिलहाल सिंगापुर से लौटे हैं पिछले ही सप्ताह, लेकिन लगातार डॉक्टरों के जिस ढंग से इलाज चल रहा है, पिछले साल उन्होंने हार्ट की सर्जरी करवाई थी मुंबई में और डॉक्टरों ने उन्हें चेकअप के लिए बुलाया है, तो सिंगापुर से आने के बाद वो सीधे मुंबई अस्पताल जाएंगे जहाँ पे वो हार्ट का चेकअप कराएंगे। उनके साथ जो भोला यादव जो हमेशा साथ में रहते हैं वो भी गए हैं,
तो इलाज के बाद माना जा रहा है कि दो चार दिनों के बाद वो वापस पटना लौटेंगे, और हार्ट को लेकर के थोड़ी समस्या, लगातार उनका बीपी वगैरह जो बढ़ता है उसको लेकर के वो सारे चेकअप्स होंगे, और चेकअप्स कराने के बाद जो है फिर वापस लौटेंगे। ठीक है। और रवि, और देखिए तेजस्वी यादव को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया है, चूंकि तेजस्वी यादव को लेकर बीजेपी और एनडीए गठबंधन जितने भी घटक दल हैं उनका कहना है कि तेजस्वी यादव कुछ भी कर लें, कितना भी यात्रा कर लें, वो कुछ नहीं होने वाला। इसी पर उन्होंने कह दिया है कि अब तो शुरू हो गई है यात्रा और पूरा भ्रमण करेंगे। जी बिल्कुल, और तेजस्वी यादव की जब से यात्रा शुरू हुई है तमाम एनडीए के नेता हों छोटे से बड़े, तमाम उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी है और लगातार हमलावर हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने एक, उनके जो बयान है कि अब तेजस्वी ने यात्रा शुरू कर दी है, पूरे बिहार भर की यात्रा करेंगे, मतलब साफ उन्होंने कहा है कि तेजस्वी की जो यात्रा है वो 2025 के विधानसभा चुनाव का आगाज इसे माना जाए, और इसे लेकर के एक ढंग से कहे कि ये प्रचार शुरुआत कर दिया है तेजस्वी ने, पूरे बिहार भर की यात्रा करेंगे और लगातार अपने संगठन को मजबूत करते हुए जो जितने भी वोट बैंक है उसे गुलबंद करने की कोशिश करेंगे। जी ठीक है रवि, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सीएम नीतीश कुमार को लेकर के लालू प्रसाद का ये बड़ा बयान, और इस बयान के बाद आपको बता दें कि सियासत काफी गर्म है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, और कटिहार से एक बड़ी खबर है, पुलिस टीम पर हमला।